good morning, grade 5. Your maths teacher, Miss Simran from Lovely Public English School, Yojana Vihar, is here to teach you maths. So, today we are going to start with our exercise 5.5. And we are going to learn how to solve the subtraction in fractions. Right? How we will solve the subtraction sums in fractions. As we have done earlier, while adding fractions, similarly we will be doing the subtraction. Like you have the unlike fractions. Again, you will take the LCM 4 and 6. 2 twos are 3 are, 2 ones are 3 are, 3 ones are 1 are. So LCM kitna aaya mera? 2 multiply 2 multiply 3. 2 to the 4, 4 3 the 12. So 1 by 4 multiply 4, 4 3 the 12. Niche 3 se kiya, to upar bhi 3 se karenge. 3 by 12. Now 1 by 6. 6 ko main kis se multiply karungi? 12 by 6 to the 12. नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से 1 2 का 2. सिमिलरली हमने वही प्रोसेस किया जो हम एडिंग में कर रहे थे. अब जब हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए तो हमें इनको क्या करना है? सबट्रैक्ट. 3 by 12 minus 12 by 12. The answer is 1 by 12. Is it clear? F part. See, जब भी न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो वी यूज 1. व्हाट डू वी यूज एज डिनोमिनेटर? 1. नाउ वी हैव 7 बाय 1 माइनस, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 3 इज 12 एंड 1 13 अपॉन 3 आ गया. अब सिमिलरली इस फाइल से लेंगे 1 and 3. 1, 3, 3 ones are 1. So LCM is 3. Hamara LCM kya aaya? 3. Ab 7 by 1. 1 ko main kitne multiply karungi? Mera 3 aaye 3 se. So upar bhi 3 se. 21 by 3. Ab 13 by 3. मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 आएगा 1 से. नाउ वी विल सबट्रैक्ट. अब हमारे लाइक फ्रैक्शन बन गए. अब हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट. तो जब हमारा ये सेम है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम. 21 माइनस 13, 13 का आफ्टर करो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Left over is 8. Now we have improper fraction, so we will convert into mixed fraction. 3 2's are 6 minus 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा. सिक्स प्लस 2 8 एंड 3. हमारा आंसर आया 2 2 बाय 3. Is it clear? Now we will be doing the word problems of exercise 5.5. See the very first question. Question 1. The sum of two fractions is 4. Do fractions ka sum kya hai? 4. If one fraction is 7 by 8, usme se aapko ek fraction diya hua hai 7 by 8. Find the other. Aapko dusra fraction nikalna hai. फॉर एग्जाम्पल दो फ्रैक्शन है ए और बी. हमें इन दोनों का क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है, मान लो सी. ठीक है, मुझे ये पता है ये 7/8 है, ये नहीं पता तुम, और ये मुझे पता है ये 4 है. मुझे ये निकालना है. इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. क्या हो जाएगा? माइनस. तो सम ऑफ टू फ्रैक्शंस कितना है? 4. फर्स्ट फ्रैक्शन कितना है हमारा? 7/8. सेकंड फ्रैक्शन कितना होगा?
4 माइनस 7 बाय 8। मैम ने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 1। एंड आफ्टर मेकिंग इट लाइक फ्रैक्शन वी विल सब्ट्रैक्ट एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट शुड बी एडेड टू 2 7 बाय 8 टू गेट 5 7 बाय 6। हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा ये आंसर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 में क्या ऐड करूं कि मेरा 5 हो जाए। 5 माइनस 3 इज 2, 3 में मैं 2 ऐड करूंगी मेरा 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे दो नंबर्स हैं और मुझे थर्ड नंबर पे पहुंचना है उसका सम गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 2 7 बाय 8 मुझे पता है, उसमें मैं क्या ऐड करूं। मैंने इसको बी मान लिया कि मेरा 5 7 बाय 6 आ जाए, तो यहाँ प्लस है यहाँ इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे।